हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त हीरो शाह हूं, लेकर आप लेकर डिफेंस अपडेट पर सपोज गजेट अनबॉक्सिंग और टेक न्यूज। दोस्तों आज संडे है, तो आज की इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ डिफेंस अपडेट को शेयर करने वाला हूं। इसके पहले की वीडियो में जो है दोस्तों मैंने आपके साथ टेक न्यूज को शेयर किया था, तो अब चलिए दोस्तों डिफेंस अपडेट्स की और एक नजर देख लेते हैं। दोस्तों अभी पहली डिफेंस अपडेट जो निकल के आ रही है वो आ रही है इंडियन एयरफोर्स को लेके। इंडियन एयरफोर्स ने जो है दोस्तों यहाँ पे एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम का एक प्लेन हम परचेस करने वाले यूएस से, जिसका नाम यूएस में कहते हैं यूएस एयरफोर्स एडवांस बैटल मैनेजमेंट एंड सर्वेलेंस सिस्टम। ये जो है दोस्तों ये प्लेन किसी भी एनिमी के व्हीकल को जो है लोकेट कर लेता है, इसकी स्पीड बता देता है और कितने नंबर्स की एनिमी वहां पे है, उसकी व्हीकल्स है वो आपको पता चल जाएगा और उसका डायरेक्शन क्या है ये पता चल जाएगा। मान लीजिए अगर हमारी हमारी जो फाइट है पाकिस्तान के साथ, हमारा वॉर चल रहा है पाकिस्तान, समझ लीजिए कि वो जैसलमेर के करीब जो डेजर्ट पड़ता है जिसे लोंगेवाला भी हम जानते हैं, लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर समझ लीजिए पाकिस्तान 10-20 टैंक को भेजता है, तो हम अपने प्लेन की मदद से उसकी कितनी स्पीड है उस टैंक की, नंबर ऑफ टैंक्स कितने हैं दोस्तों और वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये सब डिटेल्स जो है दोस्तों ये प्लेन हमें बताएगा। काफी एडवांस प्लेन होने वाला है दोस्तों। अब पता नहीं इंडिया जो है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री कितने प्लेन्स परचेस करने के लिए अप्रूवल देती है, लेकिन दोस्तों काफी अच्छी न्यूज निकल के आ रही है। दोस्तों बढ़ते सेकंड डिफेंस अपडेट की ओर। दोस्तों सेकंड डिफेंस अपडेट आ रहा है इंडिया सिंगापुर के टाइप को लेके। इंडिया ने जो है दोस्तों सिंगापुर के साथ मिलिट्री का एक टाइप किया है बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए, जिसे अग्नि वेरियर का नाम दिया है। दोस्तों ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया जो है सिंगापुर के साथ एक्सरसाइज करा है। दोस्तों पिछले 11 साल से हम जो है सिंगापुर के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करूँ कि हमने जब पहले स्टार्ट किया था 2004 में सिंगापुर के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज, 12 नवंबर और 1 दिसंबर को दोस्तों हमने ये किया था। उसके बाद जो हम एवरी ईयर करते हैं, ये साल भी दोस्तों हमें जो है एक्सरसाइज देखने मिल जाएगी, जो कि काफी अच्छी डिफेंस अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों थर्ड डिफेंस अपडेट जो निकल के आ रही वाली एरो इंडिया शो 2019 की ओर से, जो कि यहाँ पे हम लॉन्च करने वाले हैं बैंगलोर में, जो कि होगा 25 से लेकर 24 फेब को। इंडिया में हर साल जो दोस्तों ये शो को यहाँ पे लॉन्च किया जाता है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी खुद जो है दोस्तों इसे इनॉग्रेट करते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है दोस्तों गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को अलाउड किया है कि वो इसे देख सकते हैं और वो जो है अपने प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, जो कि एविएशन वर्ल्ड के रिलेटेड हो। यहाँ पे दोस्तों काफी सारे फाइटर प्लेन्स जो है पार्टिसिपेट करने वाले इस एयर शो में और काफी विंटेज प्लेन्स भी होने वाले हैं। दोस्तों ये शो जो है वो 4 दिन चलने वाला है। पहला दिन जो रहेगा दोस्तों कॉलेज के स्टूडेंट्स जो एविएशन वर्ल्ड के रिलेटेड जो है उनके लिए ओपन किया जाएगा। सेकंड डे एयर शो होने वाला है दोस्तों। थर्ड डे जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह यहाँ पे दिखाने वाले, और दोस्तों चौथे दिन जो है खास मिलिट्री में जो वुमेन्स काम कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये डेडिकेट किया जाने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे फोर्थ डिफेंस अपडेट की ओर। दोस्तों फोर्थ डिफेंस अपडेट निकल के आ रहा है 6th जनरेशन फाइटर प्लेन को लेके। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे 2018 में मार्च महीने में जर्मनी और फ्रांस ने 6th जनरेशन फाइटर प्लेन के ऊपर टाइप किया था। फ्रांस की तरफ से दोस्तों राफेल को रखने में आया, जर्मनी की तरफ से दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून को रखने में आया। इन दो प्लेन का जो है कॉम्बिनेशन बना के इसके ऊपर काफी सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और काम करके जो है एक एडवांस 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन ये दो कंट्री बनाने वाली है। दोस्तों न्यूज ये निकल के आ रही है कि स्पेन ने भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। स्पेन जो है इन दोनों कंट्री को फंड्स प्रोवाइड करेगी, तब जाके दोस्तों ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 2035 में। अभी आप सोच रहेंगे कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 2035 में और मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे 2018 में, तो क्यों? दोस्तों 6th जनरेशन या कोई भी जनरेशन का फाइटर प्लेन बनाना इतना आसान काम नहीं होता है। इसमें काफी सारे पैसे लगते हैं, टेक्नोलॉजीज दोस्तों इसमें अपग्रेड टाइम टू टाइम की जाती है और तब जाके एक पर्टिकुलर फाइटर प्लेन तैयार किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे तकरीबन मेरे हिसाब से और 20 साल लग जाएंगे, 15 से 20 साल, तब जाके एक अच्छा 6th जनरेशन फाइटर प्लेन तैयार होगा। दोस्तों यहाँ पे रशिया की बात करें तो रशिया ने जो है 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन ऑलरेडी इंडिया के साथ बना लिया, जो कि SU-57 है, जो कि काफी एडवांस प्लेन है। अमेरिका की बात करें दोस्तों, अमेरिका के पास भी F-22 रैप्टर पड़ा है, जो कि काफी एडवांस 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है। चाइना के पास भी दोस्तों 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है, जो कि F-22 की कॉपी है, जिसे कहते हैं चेंगडू J-20। तो दोस्तों इस 5th जनरेशन की फाइटर प्लेन की रेस में मैं चाइना को तो गिनता नहीं, क्योंकि उसने कॉपी किया है दोस्तों, और उसका जो प्लेन है फाइटर प्लेन कोई भी अंदर से 5th जनरेशन का प्लेन लगता नहीं। हाँ, उसको 4+ जनरेशन प्लेन मान सकते हैं। इंडिया के पास जो है दोस्तों मेरे ख्याल से 2021 तक M का प्रोजेक्ट पूरी तरह से आ जाएगा, जो कि वो 6th जनरेशन के लिए कैपेबल है। तो हम जो है दोस्तों 5th जनरेशन और 6th जनरेशन प्लेन की रेस में जो है तकरीबन सेकंड या थर्ड रैंक के ऊपर आते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं 5th डिफेंस अपडेट की। दोस्तों यहाँ पे 5वीं डिफेंस अपडेट निकल के आ रही है पाकिस्तान की ओर से। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दोस्तों जो है यहाँ पे वेनेसडे को कंफर्म किया था कि 2008 में मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, इसके अंदर जो था लश्कर ए तैयबा का हाथ था और जकीर उर रहमान जो कि टेररिस्ट है दोस्तों उसका यहाँ पे हाथ था। तो दोस्तों अब जो है पाकिस्तान अभी ये कन्फेस कर रहा है, उन्होंने पहले हमें पता तो चल गया था दोस्तों कि इसमें लश्कर ए तैयबा का हाथ है। हमने जो है अजमल कसाब के साथ जो इंटरोगेशन हमारी
पुलिस फोर्स ने की थी उसमें हमें पता चल गया था। लेकिन दोस्तों अब जो है पाकिस्तान ये कह रहा है, पाकिस्तान का ये कहना है, इमरान खान ये कह रहा है दोस्तों कि अब जो है वो उन इन सारी टेररिस्ट जो थी ऑर्गेनाइजेशन इनके अगेंस्ट में केस करेंगे। लेकिन आप देखोगे दोस्तों एक तरफ जो है उन्होंने जो है जकीर उर रहमान को तो वहां से रिहा कर दिया, पता नहीं कौन से बेस के ऊपर ये जो है केस फाइट करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों सब फेक बात है, पाकिस्तान की कोई बात को मैं कभी सीरियसली लेता नहीं हूँ। दोस्तों बढ़ते हैं सिक्स डिफेंस अपडेट की ओर। दोस्तों ये डिफेंस अपडेट आ रहा है तेजस की ओर से। दोस्तों हमारे एयरफोर्स के चीफ है, उनका ये कहना है कि तेजस जो है काफी अच्छा फाइटर प्लेन है, लेकिन कोई कोई लोग जो है दोस्तों एयरफोर्स में उनका ये कहना है तेजस दोस्तों जो है वीक परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे एक शो हुआ था तेजस का, जिसके अंदर तेजस ने अपनी वेपन डिलीवरी एक्यूरेसी का पेश किया था दोस्तों, जो कि काफी हद तक 90% मैं कहूँ तो काफी अच्छा उन्होंने अपनी वेपन डिलीवरी को यहाँ पे पेश किया था। तो अब पता नहीं ऐसे क्यों न्यूज निकल के आ रही है कि तेजस का जो परफॉर्मेंस है काफी वीक होते जा रहा है। एक तरफ हमारी नेवी जो है दोस्तों तेजस के खिलाफ जो है मतलब अच्छा इंटरेस्ट दिखा रही है तेजस के लिए, लेकिन एयरफोर्स जो है अभी भी तेजस से नाखुश दिख रही है। तो पता नहीं तेजस के अंदर भी काफी सारे अपग्रेडेशन हमें देखने मिलेंगे 2019 में। मेरे हिसाब से दोस्तों 2021 तक जो है तेजस काफी एडवांस प्लेन फाइटर प्लेन बन जाएगा, और ये जो है 5+ जनरेशन का फाइटर प्लेन हम इसे मान सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों आज की डिफेंस अपडेट में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की डिफेंस अपडेट अच्छी लगी हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम जो है आपके लिए ऐसे डिफेंस अपडेट पसंद पोस्ट गैजेट अनबॉक्सिंग और टेक न्यूज़ लाते रहे। जय हिंद।